एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉची जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इनफाइनाइट। इस पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अब उसे डाउनलोड कर लीजिए। आइए इसके स्टेटमेंट पर बात कर लें, फिर इसके प्रूफ पर हम बात करेंगे। जनरली तो कह रहे हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, एन बाई एस का लिखा मतलब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एट इन्फिनिटी इन्फाइनाइट, इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। इप्सिलॉन बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होगी। देयर एग्जिस्ट ए नंबर के सच दैट दिस इज ये टी वन टू 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 एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू इप्सिलॉन फॉर ऑल टी वन टी टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दैट इज हियर इज इज कन्वर्जेंट। एक स्मॉल क्वांटिटी है जिससे कि ऑलवेज लेस देन हो, तो हम कहेंगे कि जो दिया हुआ इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कॉची टेस्ट हमारा यही कहता है। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो के एग्जिस्ट कर रहा है और टी वन टी टू हमने एक वैल्यू ऐसे कंसिडर की है, इनके बिटवीन्स है, और उसका अगर मॉडुलस निकालें विच इज लेस देन आर इक्वल टू इप्सिलॉन। ठीक है, बहुत ही वेरी दिस इज अ स्मॉल क्वांटिटी आप कह सकते हो, स्मॉल नंबर या क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके प्रूफ पे हम बात कर लें कि इसका प्रूफ जो है हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्रूफ जो हमारे पास ये रिजल्ट दिया हुआ है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे फाई ऑफ इन्फिनिटी, दिस इज ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से हम अज्यूम कर लें दिस इज द वन। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि फाई ऑफ टी क्या हो सकता है, फाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, ए टू टी एफ एक्स डी एक्स। दैट इज द रिजल्ट, इससे एक रीअरेंजमेंट हमारा हो गया ये। ठीक, अब आगे ये रूल बेस प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी बेस प्रॉब्लम्स है। द नेसेसरी वी नो दैट ठीक, हम जानते हैं द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन कंडीशन फॉर लिमिट लिमिट फाई एक्स टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, प्रॉपर्टी है फाइनाइटली, इज दैट टू एवरी पॉजिटिव नंबर नंबर इप्सिलॉन, ठीक है, देयर कॉरस्पॉन्ड कॉरस्पॉन्ड ए नंबर नंबर के सच दैट फॉर ऑल टी वन टी टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, सो दिस इज टी टू ग्रेटर देन के। तो अब जो रिजल्ट हमें ये मिलेगा फाई ऑफ टी टू माइनस फाई ऑफ टी वन मॉड लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल जो भी रिजल्ट हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू जब हम ऊपर से पुट कर लेंगे, दिस इज द ए टू टी टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस ए टू टी वन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेस देन इप्सिलॉन। ये कहाँ से लिखा, ये जो हमने ऊपर एज्यूम किया हुआ है, ये माना जो गिवन है, ये वाला फंक्शन, ये इससे हमने फाई ऑफ टी ये है, तो फाई ऑफ टी टू एंड फाई ऑफ टी वन दिस। अब सिर्फली इसको सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है, डेफिनाइट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लीजिए। ए टू टी टू
और एफ एक्स डी एक्स और इस प्लस कर देते हैं तो ये इंटीग्रल लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टी वन टू ए हो जाएगा, दिस इज एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, दिस द प्रॉपर्टी यूज करके। और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट आप देखिए ए कैंसिल, मतलब ये मॉड टी वन टू टी टू एफ एक्स डी एक्स मॉडुलस एफ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कन्वर्जेंस की कंडीशंस मिल गई, दैट इज द प्रूफ। तो यही हमारा ये कंडीशंस हो गया कि जो कॉची टेस्ट है, कॉची टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, इस तरह से रिजल्ट मिलेगा अगर कोई दो नंबर्स पर्टिकुलर हो, एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस पर वो कोई ऑलवेज हमेशा ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसके वर्कआउट में हम इसको कहेंगे कि दैट इज़ द कन्वर्जन। तो इस तरह से आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे रिजल्ट होगा। सो टेक केयर, थैंक यू।